पुणे के दौंड में भीमा नदी से 18 से 22 जनवरी के बीच एक एक कर 7 शव मिले। शुरू में तो पुलिस को लगा कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन एक मृतक महिला के पास से मिले मोबाइल के जरिए जब पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त की तो पता चला कि सभी एक ही परिवार के हैं। मृतकों में पवार दंपति, उनकी बेटी और दामाद के साथ 3 से 7 साल के 3 मासूम नाती भी थे। इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो जो सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था। इन 7 लोगों का मर्डर किया गया है और ये मर्डर उनके ही रिश्तेदार परिवार जो उसी गांव में रहता है उन्होंने किया है। इसका जो प्राइमा फेसी हमको कारण अभी तक समझ में आया है वो ऐसा है कि अशोक पवार जो कि इन सबका सबसे बड़ा भाई है उसका बेटा धनंजय पवार उसका कुछ महीनों पहले एक मृत्यु हुआ था जिसके बारे में एक्सीडेंटल एक गुना पुणे सिटी में दाखिल है और उसका संशय जो मृतक है उसके बेटे ने उसके बेटे की वजह से वो मृत्यु हुआ है इस बात का गुस्सा इनके मन में था। गिरफ्तार आरोपियों में 4 भाई और 1 बहन है। सूत्रों के मुताबिक 5 ने बड़ों की तो गला दबाकर हत्या की और शव नदी में फेंक दिया जबकि छोटे बच्चों को जिंदा ही नदी में फेंका था। कहते हैं शक इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है तो बदले की आग उसे अंधा कर देती है। पुणे की दौंड की वारदात दोनों अवगुणों का ऐसा दुष्परिणाम है जिसमें एक हंसता खेलता पूरा परिवार मौत की आगोश में चला गया तो दूसरा परिवार जेल में सलाखों के पीछे। अब इंसाफ की बारी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा सुनील सिंह एनडीटीवी इंडिया के लिए।